हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप देखिए, आज हम बहुत ही खूबसूरत सा पैटर्न बताएंगे आपको। डबल कलर के स्वेटर डिज़ाइन है, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है, बहुत ही यूनिक डिज़ाइन है। आप किसी भी प्रोजेक्ट पर अप्लाई करिए, बहुत ही खूबसूरत लगेगी। बेबी बॉय, बेबी गर्ल, हाफ स्वेटर, फुल स्वेटर, कार्डिगन, जैकेट, टोपी, किसी भी में ये डिज़ाइन आप डालोगे ना, किसी भी प्रोजेक्ट में बहुत ही खूबसूरत लगेगी। और चार चार सिलाई की डिज़ाइन है ये। आप इसे मल्टी कलर में भी बना सकते हो, डबल कलर में मैंने आपको बना के दिखाया ही है। और आप जैसे एक दूसरा बनाओ, तीसरा बनाओ, चौथा, कोई भी कलर लगा दो, आपके पास बचे हुए ऊन हो आप इससे भी बनाओगे, डिज़ाइन बहुत ही अच्छी लगेगी। तो ये हमारी राइट साइड है और ये हमारी बैक साइड। देखिए, ऊन थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा नहीं, बहुत ही कम, मतलब मुश्किल से 50 ग्राम का फ़र्क आएगा, 50 से 100 ग्राम का। और देखिए, स्ट्रेचबल भी डिज़ाइन है, कितनी भी स्ट्रेच होगी लेकिन डिज़ाइन जो है वो ख़राब नहीं होगी, सबसे अच्छी बात है ये। देखिए, अब बिल्कुल कहीं भी आपको जाली नहीं दिखेगी। अब फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को आप मोटी सिलाई में ही बनाइएगा। अगर ऊन मान लीजिए आपका थोड़ा सा पतला भी है, तब भी आप इसे 9 नंबर में बनाइएगा तो बहुत ही परफेक्ट डिज़ाइन बनकर उतरेगा। तो आइए, इस डिज़ाइन को बनाना हम शुरू करते हैं। देखिए, फंदे हमने डाल लिए। मान लीजिए आपने फंदे डाल लिए और बॉर्डर बना लिया, तो बॉर्डर बनाने के बाद जो भी फंदे आपको बढ़ाना हो आप सीधे तरफ बढ़ा लीजिए, उल्टे की तरफ से आपको कलर लगाने, मतलब ये पैटर्न आपको पहली सिलाई जो है रॉन्ग साइड उल्टे की तरफ से शुरू होगी। तो पहले हम अपना लगाएंगे दूसरा कलर, ये लगा लिए, लग गई। अब देखिए, पहली सिलाई जो है पूरे फंदे को हम ऐसे उल्टा बुनकर कंप्लीट करेंगे अपने दूसरे कलर से, ये इसी प्रकार से हम पहली सिलाई कंप्लीट करेंगे। बहुत इजी डिज़ाइन है फ्रेंड्स, बहुत अच्छी लगती है। दो सिलाई में हमारी डिज़ाइन पड़ती है, दो हमारी सिंपल ही बनती है। ये हो गई, ये पहली सिलाई कंप्लीट। अब देखिए सेकेंड रो, दूसरी सिलाई सीधे की तरफ, ध्यान से देखिएगा, पहले फंदे को स्लिप करेंगे एंड दूसरे फंदे को सीधा बुनेंगे। इधर भी हम दो फंदा बुन लेंगे, इधर भी हम दो फंदा बुन लेंगे, इसके बाद ही हम पैटर्न को डालेंगे। तो क्या होता है, जब स्वेटर में ये डिज़ाइन डालते हैं तो सिलाई उलाई करने में बहुत ही ईजी हो जाता है और बहुत ही आसान लगता है। जब ये डिज़ाइन हमारे शुरू में पड़ जाता है ना, तो हम जब सिलाई करते हैं तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए हमें एक दो फंदे एक्स्ट्रा ही रखने चाहिए। तो पहले को स्लिप किया, दूसरे को बुन लिया। अब देखिए, एक फंदे में तीन फंदे बनाने हैं, तो एक हमने बनाया धागा आगे, एक फंदा और, ये इस प्रकार से, ये देखिए, एक फंदे में तीन फंदे, एक हमने स्लिप किया, फिर से एक फंदे में तीन फंदे बनाएंगे, एक सीधा बुनेंगे, धागा आगे, फिर से सीधा, ये एक स्लिप, फिर से एक आगे, ये एक स्लिप, मतलब एक फंदा हम बिना बिने उतारेंगे, एक फंदे में हम तीन फंदा बुनेंगे, और तीन फंदे में पहले को हम बुनेंगे, फिर धागा आगे करके एक फंदा और बुन लेंगे। जो दूसरी सिलाई है हमारी, इसी प्रकार से कंप्लीट हो जाएगी। जो भी एक्स्ट्रा ऊन है हमारा, इसी में लगेगा, बहुत ही कम फर्क पड़ेगा। अब देखिए, हम बता दे रहे हैं आपको, ये लास्ट के फंदे को आप बना लीजिए सीधा चाहे उल्टा। हो गई दूसरी सिलाई कंप्लीट। अब फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा हमारी तीसरी सिलाई, पहले को स्लिप करेंगे, धागा पीछे। अब जो तीन फंदे को हम एक साथ बुने हैं, फिर से एक साथ बुनेंगे, सीधा बुनेंगे, ये देखिए, तीनों को एक साथ सीधा बुने, जो उतारे हैं फंदा स्लिप किया उसे ऐसे फिर से स्लिप कर लेंगे, ये फिर से तीन फंदों को एक साथ बुनेंगे, और जो उतारा हुआ फंदा उसे हम उतार लेंगे, ये फिर से तीन फंदे को एक साथ, और जो स्लिप किया हुआ फंदा उसे स्लिप कर लेंगे, मतलब जो तीनों को हम बुने हैं उसे हम एक साथ बुन लेंगे, और जो स्लिप वाले फंदे हैं उसे हम स्लिप कर लेंगे, और धागे को हम पीछे ही रखेंगे, ये yeah.
लास्ट के फंदे को आप सीधा कर लीजिए, हो गई। थर्ड रो भी जो है वो कंप्लीट हो गई, अब डिज़ाइन भी आपको समझ में आने लगा होगा। फोर्थ रो, चौथी सिलाई जो है उसे हम ऐसे सीधा बुनकर कंप्लीट करेंगे। ये सारे फंदे को हम ऐसे ही सीधा सीधा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। फोर्थ रो कंप्लीट एंड डिजाइन भी कंप्लीट। इसके बाद हम फिर से उल्टे की तरफ आ गए तो सफ़ेद कलर से बुनेंगे। जैसे चार सिलाई हमने सफ़ेद लाल से बनाया है वैसे ही चार सिलाई हम सफ़ेद से बनाएंगे, मतलब जो भी कलर आपका रहेगा यही फोर्थ रो हम बार बार रिपीट करेंगे। ये पैटर्न कंप्लीट होगा, आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, एंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। टेक केयर, बाय बाय।